हेलो एनएम फैंस, तो कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों। जैसे कि हमने हमारे पिछली वीडियो में देखा था कि कोई बंदा आके गोकू और वेजिटा से कहता है कि तुम्हें उन डिमन्स की लोकेशन बता सकता हूँ, तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तो चलो दोस्तों, अब जानते हैं आगे क्या हुआ। तो दोस्तों, गोकू और वेजिटा जाने में ही होते हैं, इतने में दोस्तों कायोशिन उन्हें रोक के बोलती है तो तुम इस हालत में लड़ नहीं पाओगे, तो तुम जाओगे उससे पहले मैं तुम्हारा सारा डैमेज ले लेती हूँ। दोस्तों ये सुनकर ट्रंक्स बोलता है कि क्या, पर इससे हमारी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी, तुम मर भी सकती हो। तो दोस्तों कायोशिन बोलती है कि यही हमारे पास एक आखिरी रास्ता बचा है। और दोस्तों इतने में जो बंदा है जो गोकू और वेजिटा को उन डीमंस की लोकेशन बताने वाला है, वो बोलता है अब हमें हेल में जाना होगा, तो चलो चलते हैं। फिर दोस्तों हम पहुँच जाते हैं हेल में। दोस्तों हमें हेल में एक गोकू दिखता है जो बहुत ही घायल होता है। दोस्तों गोकू की हालत देख के लग रहा है कि वो किसी बहुत ही पावरफुल बंदे से लड़ रहा है। फिर दोस्तों हमें पीछे से एक बंदे का लुक दिखता है, तो फिर दोस्तों चलिए जानते हैं वो कौन है। और सामने एक बहुत ही पावरफुल सा अपोनेंट है। दोस्तों ये तो जेनेम्बा है, हमारा फ्यूजन रिबोन का विलन। तो दोस्तों उसे देख के एक डीमन गॉड बोलता है कि क्या हमें इसे भी अब्सॉर्ब करना है, क्या ये हमारे काम में आएगा। तो दोस्तों फिर दूसरा बोलता है कि हाँ ज़रूर ये हमारे काम में आएगा, तो चलो अब इसे हराते हैं और इसे ख़त्म करते हैं। फिर दोस्तों वो एक ग्रिम नाम के उसके सोल्जर को बुलाता है जेनेम्बा से लड़ाई करने के लिए। फिर दोस्तों उन दोनों की लड़ाई चालू हो जाती है। फिर दोस्तों वो सोल्जर जेनेम्बा के ऊपर अटैक करने जाता है, और फिर दोस्तों जेनेम्बा एक हल्की सी स्माइल देता है और उस सोल्जर को किक करके बाहर फेंक देता है। फिर दोस्तों पीछे से एक डीमन गॉड बोलता है लगता है ज़्यादा ताकतवर नहीं है, तुम्हें और थोड़ी ताकत देनी चाहिए उसे। फिर दोस्तों जेनेम्बा और सोल्जर की लड़ाई चालू हो जाती है। फिर दोस्तों वो सोल्जर जेनेम्बा को देख के हंसने लग जाता है, सु सु हा 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 हा। फिर दोस्तों वो दूसरा बोलता है चुप रहो और चुपचाप लड़ाई करो। फिर दोस्तों वो जेनेम्बा उस सोल्जर को एक ही बार में ख़त्म कर देता है। फिर दोस्तों जिम नाम का बंदा उन्हें देख के बोलता है अरे वाह मुझे तो मज़ा आ गया। फिर दोस्तों दूसरी डीमन गॉड बोलती है ये डीमन गॉड दूसरों से काफ़ी अलग है। फिर दोस्तों जेनेम्बा को अचानक से कुछ हो रहा होता है, जिससे वो अपने डार्क इवोल्यूशन में जा रहा है। फिर दोस्तों वो अपने एक डार्क इवोल्यूशन में जाता है और हमें देखने को मिलता है ये डार्क जेनेम्बा। दोस्तों डार्क जेनेम्बा को देख के वो बोलता है क्या ये इतना ताकतवर कैसे हो गया, मुझे यकीन नहीं होता, लगता है मुझे खुद को इससे लड़ना होगा, संभालो इसे। फिर दोस्तों जेनेम्बा अपनी ताकतवर अटैक को जेनेम्बा के ऊपर करता है, पर दोस्तों फिर जेनेम्बा उसे डॉज कर लेता है। फिर दोस्तों उन दोनों की लड़ाई एक बहुत ही एपिक मोड ले लेती है, और दोस्तों फिर उन दोनों की खतरनाक लड़ाई चालू हो जाती है। दोस्तों जेम एक बार एक अटैक करे जा रहा होता है और जेनेम्बा उसे रोके जा रहा होता है। दोस्तों पर जेनेम्बा के ऊपर थोड़ा भारी पड़ जाता है उसके थ्री डायमेंशनल अटैक्स की वजह से। और दोस्तों फिर जेम को गुस्सा आता है और वो अपने पावरफुल अटैक्स करना उसके ऊपर चालू कर देता है। फिर दोस्तों उस दूसरे डीमन गॉड को एक डार्क ड्रैगन बॉल दिखती है और वो दोस्तों उसे लेने जा रही होती है। इतने में दोस्तों कुछ हलचल होती है और दोस्तों हमारे हीरोज वहाँ पहुँच जाते हैं। दोस्तों जिम उस बंदे को देख के बोलता है क्लैम तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर दोस्तों गोकू क्लैम से बोलता है अच्छा तो तुम्हारा नाम क्लैम है। दोस्तों क्लैम गोकू से बोलता है मेरा नाम को इतना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी हमें इनको हराना है। दोस्तों जिम बोलता है कि मैं तुम्हें देख के हैरान हूँ, तुम यहाँ पर कैसे। दोस्तों क्लैम बोलता है मैं सिर्फ एक ही मकसद के लिए आया हूँ, तुम सभी को यहाँ से ख़त्म करने। दोस्तों वो डीमन गॉड बोलता है क्या मतलब तुम हम सबको तबाह कर दोगे। दोस्तों जिम बोलता है इसकी ज़्यादा फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इन सबको चुटकियों में ख़त्म कर दूंगा। फिर दोस्तों जिम गोकू और वेजिटा से बोलता है तुम दोनों में अगर हिम्मत है तो मुझसे लड़ के दिखाओ और मुझे हराओ। फिर दोस्तों डीमन गॉड और क्लैम की लड़ाई और जिम और गोकू और वेजिटा की एपिक फाइट चालू हो जाती है। दोस्तों फिर गोकू और वेजिटा पूरी स्पीड से जाते हैं जिम की तरफ। दोस्तों जिम उन्हें चिढ़ाते हुए भाग रहा होता है। फिर दोस्तों जिम अपने आसपास एक टॉर्नेडो बना लेता है जिससे कोई उस पर अटैक नहीं कर सके। फिर दोस्तों उस डीमन गॉड और क्लैम की लड़ाई से एक बहुत ही खतरनाक एनर्जी होती है जिसमें से एक ड्रैगन बॉल निकलती है और उसके ऊपर दोस्तों बू के कुछ सेल्स रहते हैं। फिर दोस्तों क्लैम बोलता है अरे नहीं मैं उसके बारे में तो भूल ही गया था। फिर दोस्तों हमें देखने को मिलता है किड बू जो दोस्तों जेनेम्बा की ड्रैगन बॉल के ऊपर जाकर उसकी सारी ताकत अब्जॉर्ब कर लेता है
दोस्तों वो अपने एक अलग ही इवोल्यूशन में जा रहा होता है, डार्क डार्क इवोल्यूशन में। फिर दोस्तों हमें देखने को मिलता है सुपर डार्क इवॉल्व बू। दोस्तों क्लैम उसे देख के बोलता है अरे नहीं, इसने फिर से अब्जॉर्ब कर लिया, अब तो ये बहुत ही ताकतवर हो गया है क्योंकि अब इसके पास दो ड्रैगन बॉल की ताकत है, अब हम क्या करेंगे। और इसने तो टाइम और स्पेस के बीच में खोल खुल गया है जिससे कभी भी भाग सकता है, मुझे ध्यान रखना होगा। फिर दोस्तों क्लैम के पीछे ड्रम अटैक करने आता है, पर दोस्तों क्लैम उस अटैक से बच जाता है। दोस्तों क्लैम गोकू और वेजिटा से बोलता है तुम दोनों वहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो, मेरी मदद करो। पर दोस्तों गोकू बोलता है मुझे माफ़ करना पर मेरी बॉडी में बिल्कुल भी ताकत नहीं बची है। फिर दोस्तों इतने में ड्रम बोलता है कि मैं तुम दोनों को काट दूंगा और तुम्हारी आत्माओं पर कब्जा कर लूंगा। फिर दोस्तों क्लैम ने ऊपर देख के बोलता है अब तो मेरी सारी ताकत खत्म हो गई, मुझे आत्मा की ताकत चाहिए अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए। फिर दोस्तों ड्रम वहाँ से जा रहा होता है और दोस्तों फिर क्लेमन गोकू वेजिटा से बोलता है शेट कुछ तो करो तुम दोनों, कुछ भी कुछ तो करो, हमें उन्हें जाने से रोकना होगा। दोस्तों गोकू बोलता है कि हाँ बस तुम हमें 30 सेकंड दो, हम दोनों का एक होना है। फिर दोस्तों वेजिटा गोकू से पूछता है क्या मतलब एक होने का, तुम्हारा मतलब फ्यूजन। दोस्तों फिर गोकू बोलता है हाँ अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। फिर दोस्तों दो गोकू और वेजिटा दोनों एक दूसरे से बहस कर रहे होते हैं उसके लिए। और दोस्तों फिर इतने में जीरम वेजिटा के ऊपर अटैक करता है पर दोस्तों क्लेमन उसे डॉच कर लेता है। फिर दोस्तों जीरम बोलता है तुम चाहे कुछ भी कर लो तुम मुझे नहीं हरा सकते। और यही सुन के दोस्तों वेजिटा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और बोलता है ठीक है मैं तैयार हूँ, चलो फ्यूज होते हैं। फिर दोस्तों गोकू और वेजिटा मर्ज होकर बन जाते हैं गोजीटा। दोस्तों क्लेमन और जिम का यकीन नहीं होता है कि वो सच में फ्यूज हो गए हैं। फिर दोस्तों गोजीटा जिम से बोलता है आओ मुझसे लड़ो। फिर दोस्तों हमें देखने को मिलता है टाइमनेस। दोस्तों जिसमें से काशिन बाहर निकल के बोलते हैं वाह आज तो मुझे काफ़ी अच्छी नींद आई, बहुत दिनों के बाद मैं इस तरह सही हूँ। फिर दोस्तों ट्रंक्स काशिन से पूछता है तो काशिन आप कैसी हैं। दोस्तों काशिन बोलते हैं अब मैं पहले से बहुत ठीक हूँ और मैंने इतना जादू रिकवर कर लिया है कि मैं किसी एक बंदे को बुला सकूँ। दोस्तों ट्रंक्स को कुछ समझ नहीं आता, फिर काशिन उसे बताती है कि अब मैं तुम्हारे लिए नए हेल्पर को बुलाने वाली हूँ। तो हाँ यार दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और दोस्तों मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले कि आपको क्या लगता है कि नया हेल्पर कौन होगा। तो दोस्तों